हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए जल विभाग भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी 10th और 12th पास हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं पास हैं, तो आप भी इस नौकरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 10th और 12th की वैकेंसीज आपको बताई गई है और यहाँ जो पोस्ट जो आपको मिल रही है वो फ्रेंड्स यहाँ बताई गई है फील्ड ऑर्गेनाइजर की। तो यहाँ वैकेंसीज आपको जो पोस्ट मिल रही है वो फील्ड ऑर्गेनाइजर की मिल रही है और ये जल संसाधन विभाग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात की जाए सैलरी की, 10,000 से लेकर 19,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। इसके बाद जो है ऑल स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हो ये फॉर्म आपको भरना है, ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ बताया गया है ये किस पोस्ट के लिए आपको भरना है, फील्ड ऑर्गेनाइजर की पोस्ट के लिए, आयोजक की ये पोस्ट के लिए आपको भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ जो है आपको फिर बताया यहाँ नेम, आपका नाम जो है 10th और 12th के मार्कशीट के आधार पर आपको यहाँ नाम लिख देना है। इसके बाद फादर्स नेम है, जन्मतिथि है। इसके बाद जो है आपको बताया गया है जेंडर मेल एंड फीमेल, तो यदि आप मेल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये फॉर्म जो है भर के भेज देना है। ये छोटा सा फॉर्म है, यहाँ 12 नंबर पॉइंट जो है आपको बताए गए हैं, यहाँ मोबाइल नंबर है और इसके साथ ही ईमेल आईडी जो है आपको बताई गई है। और इसके साथ एक फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट बताया गया है, अनुभव यदि है तो, इफ एनी आपको इसमें बताया गया है, तो अनुभव की आवश्यकता नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो ये देख सकते हो ये फॉर्म आपको बताया गया है और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्स बताई गई है। ये एप्लीकेशन जो है फील्ड ऑर्गेनाइजर की पोस्ट के लिए आपको बताया गया है, तो ये साधारण सा फॉर्म है। इसके बाद यहाँ प्लेस है, डेट है और इसके साथ सिग्नेचर जो है आपको यहाँ कर देना है। इसके साथ जो है आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईडी, राशन कार्ड, वोटर आईडी। इसके बाद जो आपको एक प्रूफ के तौर पे आपको देना होगा कि फाइनली आप इस स्टेट या इस डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद जो है कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और अनुभव, यदि आपके पास कोई भी इसमें अनुभव आपके पास है, इसमें फील्ड जो ऑर्गेनाइजर की पोस्ट के, यदि आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, आपके पास अनुभव है, तो उसकी भी कॉपी आप अटैच कर सकते हो। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है कॉपीज़ आपको यहाँ अटैच करनी होगी। इसके बाद जो है आपको ये फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा। और ये फॉर्म आपको कहाँ भेजना है वो डिटेल सभी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपको काफ़ी सारी जानकारी जो है बताई गई है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, वो रूल्स जो है आपको यहाँ पढ़ लेना है। तो यहाँ आपको एक एड्रेस बताया गया, देख सकते हो यहाँ इस दह से लेकर आपको ये एड्रेस जो बताया गया है, और इसके साथ जो है आपको यहाँ एक पिन आपको बताया गया, इस एड्रेस से आज तक आपको ये एड्रेस लिख देना है टू में। और इसके बाद जो है आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये, तो आपको करना क्या है, गूगल में आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ फॉर्म मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है और ये फॉर्म जो है आपको अप्लाई कर देना है। अभी हम आपको लास्ट डेट दिखा देते हैं, तो अभी आपका नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था 21/7/2021 को, 21/7/2021 को, और इसके बाद जो है आपको अप्लाई डेट यहाँ बताई गई है 10 अगस्त 2021 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।